एनएसयूआई ने छात्र छात्राओं सहित युवा विंग को जोड़ने के लिए राजीव भवन में बोल छत्तीसगढ़ बोल प्रवक्ता चयन पोस्टर का विमोचन किया। राजीव भवन में राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता और कार्यक्रम प्रभारी संजीव शुक्ला के जरिए छात्र छात्राओं सहित युवा विंग के कैसे इन्हें जोड़ा जाए, इन सभी बातों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि आगामी 1 अगस्त तक पूरे छत्तीसगढ़ में प्रवक्ता के तौर पर चयन करना है। प्रदेश में जिस तरह से नफरत और झूठ के वायरस को फैलाया जा रहा है, उसे खत्म करने के लिए प्रवक्ताओं की फौज खड़ी करने की बात कही। राजीव भवन अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ एनएसयूआई द्वारा बोल छत्तीसगढ़ या बोल कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन के लिए हमारे साथ यहाँ भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव शुक्ला जी एवं एनएसयूआई के मीडिया प्रभारी और एनएसयूआई के अन्य साथी यहाँ उपस्थित थे। ये एक नया प्रवक्ता चयन कार्यक्रम है। इसमें एनएसयूआई के हर जिले से साथियों को बुलाया जाएगा, उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन रखा जाएगा और जो अपने बोलचाल में, व्यक्तित्व में और प्रवक्ता के गुणों में अपने आप को काबिल दिखाएगा, उनको अलग अलग स्तरों पे प्रदेश, जिला एवं उसके भी नीचे अन्य स्तरों पे प्रवक्ता के रूप में चयन के लिए किया जाएगा। आने वाला विधानसभा चुनाव 15 साल के कुशासन वर्सेस 5 साल का सुशासन, आने वाला विधानसभा चुनाव 15 साल के कांड वर्सेस 5 साल के काम के बीच होना है और इसी तारतम को, इन्हीं चीज़ों को, 15 साल के कुशासन को रमन सिंह जी के और 5 साल के सुशासन भूपेश बघेल जी के, हमको युवाओं तक पहुंचाना है, छात्रों तक पहुंचाना है। इसी तारतम में एनएसयूआई में हम लोग प्रवक्ता चयन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इन प्रवक्ताओं का काम रहेगा कि जनता के बीच, छात्रों के बीच जाकर के सवाल पूछेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी कोरोना के समय कहाँ थे, जिस छत्तीसगढ़ में आज वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कोष में उन्होंने कोरोना के समय एक पैसा दिया या नहीं दिया, इस सवाल का जवाब उनसे पूछा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि जब किसानों को धमकी दी जा रही थी कि 2500 रुपया समर्थन मूल्य यदि किसानों को दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा तो सेंट्रल पूल से नरेंद्र मोदी जी चावल नहीं खरीदेंगे, इस पर उनके बीजेपी के सांसद क्यों मौन थे, अरुण साव जी क्यों चुप्पी साध के रखे थे, इन सब का जवाब बीजेपी वालों से पूछने के लिए एनएसयूआई अपने एक फौज बनाने जा रही है, प्रवक्ता साथियों की फौज बनाने जा रही है।